देखा एक बारहमासा है राधिका और कृष्ण भगवान का कहना वही बात। हरे राम कसम से सजनी अरे अगिया ला गई जवानिया कसम से सजनी लागे मास अषाढ़ सखी रे रिम झिम बरसे बदला अरे सावन मा झकोरा मारे उड़ी उड़ जाला अरे कजरा जुलमी मन मोहनिया कसम से सजनी जरा जुलमी मन मोहनिया कसम से सजनी अगिया लागी यही जवानिया कसम से सजनी ए भैया अरे भादो मास मा बिजुली चमके बनमा बोले मोरावा अरे करवट बदली बदली से दिया पे गोइया होइगा भोरावा अरे करवा सुनबा करवा सुना बिन परानिया कसम से साजनी भैया क्वार पिया परदेश चला गए कार्तिक आए अरे निरख तरह बेदर्दी के सुखी ओठ के अरे काली होई गए ना काली होई गए गोर बदनिया कसम से सजनी काली होई गे गोर बदनिया कसम से सजनी अगिया लाग यही जवानिया कसम से सजनी ए भैया अगहन न नदी जाय गमनवा झुर झुर नैना अरे पूस मास मा सुनी सजिया नागिन बनी के गर सठवा पे तर सठवा पे न तुनिया कसम से सजनी भैया माघ बसंत चले पुरवाई अंग अंग सब अरे फागुन रंग गुलाब उड़े सब मजा यार संग अरे फूटे दहिया से फूटल दहिया से अगिनिया कसम से सजनी भैया चैत मास बन बाग फुलाने बेला यवर
अरे बिना पिया कनिक न लागे करे मजाक अरे धेली दुखमा धेली दुखमा जिंदगानिया कसम से सजने दुखमा जिंदगानिया कसम से सजनी अगिया लागे यही जवानिया कसम से सजनी बैसाख मास पीवाना आए भेजना परिवाना अरे जेठ मास गर्मी के दिन टप टप पसीनावा अरे गनवा माधव के गनवा माधव के लिखनिया कसम से सजन देखा तैयारी अब हेमंत तैयारी हो करता है हा कहा कि अब हेमंत राजभवन में आए धर्म राज से शीश झुकाए राजा उठ के गले लगाए अब हेमंत पड़े सोच मा देख सभा के अच्छा देख सभा के हाल अब अभिमन्यु रह पछता अभिमन पहुँचे धर्म लाग लग मथवा चरणों मासिर अभिमन कहा थे दादा जी अब यहरी धाई कारण कवन ये पांडव कुल के आंसू पर कहे दृष्टि हरे ललनवा रूठ गई जोड़ा गुरु ये चक्र व्यूह के रचना दे नाराधापत यहाँ घरे न बाटे अर्जुन भाई सुना इतना सुनते अभिमन जरगे राजा से बतलाए सुना हमें तैयार यही दादाजी आज्ञा दिया निधान जाप चक्र व्यूह मा लड़ने की तैया तई ए भैया यारी धर्मराज से कहा तह दादे फिक्र न करा लेकिन कहा तह अरे यज्ञ धर्म राज से लेके अरे रहिया महलों के धरे करे अरे तो पहुँचे राजभवन में जाई देखे शुभ दा गई डरा पूछे बेटा जब बताई कहाँ साजे साए अरे पूछे बेटा जब बताई पूछे लालन जिया बता पूछे बेटवा जब बताई कहाँ साजे साए के ताज बतावा लालन हमसे रात तोहरी बाटे कौनो काज बोला बोला ललना अरे अभिमन कहे हकीकत सारी बाटे लड़ने का तैयार आशीर्वाद दिया महतारी जल्दी जाई रनुमा लगे बैठा टीवी रे लड़ने से नहीं आए सुन के बिहु के रात दीरे सफा देह नहीं आई तब तो दादा गए मुरझा दीरा हमले हैं जब आई और बचन हमले हैं जब आई और
दिया चक्र व्यूह का जाई आशीर्वाद दिया मरी माय गियरी काहे का लगायू पूछे धई के चरना भद्रा रानी बेटा अमर हो दिन गान बाढ़ है जस गंगा के पानी वैसन बाढ़ अभिमन का एक वारी आशीर्वाद दी माता तिलक माथे माँ संवारी आंसू भर के नैना के अब तो मन मा विचार कई अब तो जाय उतरा के घर कर तैया मिलना भैया प्यारी महतारी से मिलके आशीर्वाद ले लेहन कहन की अब रास्ता में चली उतरा प्रिया से मिल ले ए भैया कहते हैं हाँ हाँ अभिमन चले तैयारी कई के पहुँचे उतरा के महल में जाके अभिमन सोचे मन मा करा थे भी अच्छा करें बिचारे अभिमन सोचे सारथ का समझावाना घोड़ा ले चल फुलवरिया माँ वहीं परे रुकवा यारी सारथ लेके घोड़ा फुलवरिया में अभिमन कहा थे रथ का रोका रानी से मिलिया यारी हाल सुनाऊ ताके रतिया सपन दिखाए देखे सपना रात में रानी दासी का बोलो आई के दासी खड़ी भाई तो हाथ जोर सिर ए भैया यारी उत्तरा महारानी सपने का हाल दासी से बतावतिया कि मैं सपनवा देखना रतिया आए मोर सजनवा मैं सपनवा देखना उतरा दासी से लेकर सपना पड़ा अरे सेनापति पिया मोर बन के करने गए अरे गोइया फरकत मोर नयनवा मैं सपनवा देखना फरकत मोर नयनवा मैं सपनवा देखना रतिया आए मोर सजनवा मैं सपनवा देखना उतरा का हाथ सपना देखना लागत बायू अरे नही अर्जुन घरे यहाँ ना बाटे किसन अरे हम का होते आस दुनवा में सपनवा देखना पलंग पे उतरा रो झूरे नैन से अरे तब लेके अभिमन दाखिल हो गई दिए खसती हारू अरे रानी दौड़ के परिचरणवा मैं सपनवा देखना ए
मैं सपनवा देखना, मैं सपनवा राम सपनवा राम सपनवा अच्छा पकड़े चरण बीरी अभिमन के कहे उतरा महाराज कहाँ तैयारी किहा नाथ कहाँ सारी सजाया है हथियार साथ मा लाग मात पहने साले मन कहे प्राण प्यारी मर सुफल करें चक्र व्यूह मा लड़े की तैया हम तैयार करा बधाई प्राण प्रिया मोर ईश्वर अरे यतना सुनते गिरी उतरा खिलत काली गए मुरे जाने प्यारी उतरा कहती यहाँ जो सपन देखे वो हमारे सामने आके प्रकट हो गया प्यारी रोई के कहती यहाँ अरे तो रानी कहे रोई के बतिया सपना दिए पराजो रतिया आय के परी गए बिपतिया मोर के पार सजना दिनवा अब ही उम्र बाले पन दारा ना गढ़े माँ जनवा करा विचार सजना अरे माना कही घुमावा घोड़ा गुरु के जग मनायन जो नाता दासी से ना तोड़ा प्राण धार कुंती के ललनवा दानी करण ले बरदन छूटे बनवाही ले सुरपत के दरबार मोरू मरिया बही बाली है उमरी हमका छोड़ी के ना भागा प्राण आधार से दे अरे अभिमन कहे सुना महारानी कहना लिया तोड़ मुरमान तोहरे हाथे नाही उठी है तलवार सोई रही अंगनवा का गामल राने आंगन हमका होती है यश गुनवा का है पुकार सजे अच्छा हमका यश गुन होते है जा पीछे रथ का लौटाए अभिमन कहा प्राण प्यारी तू ना के हमका यरी वही हाथ तलवार उठे ना जे मन कंगन सोहाए करा विदाई प्राण प्रिया हम जल्दी शेर जाए सारी आरती उतरा रानी पिया सामने का छूट थार हथवन से गिर गया जल दिया अभिमन वीर चढ़े रथ ऊपर चले निशान का अभिमन करे विचार सोच अपने मन ए भैया अभिमन चले तैयारी कई के अरहिया चक्र बीहू के धई के अभिमन पड़े सोच मा कहाँ बीहू के अभिमन चक्रव्यूह के पास पहुंच गए सोचा तो है कहाँ चक्रव्यूह के द्वार बा अरे पड़े सोच माय अभिमन सोचे कहाँ व्यूह के द्वार
चक्रव्यूह के द्वार बनाबा कैसन करी कितना सुनते अभिमन सोच अपने मने विचार सुना। पहले द्वार पे आए जर ठाढ़े कसे सुना। पांडव से जीता का पाए शंकर से बलदान सुना। अभिमन पहुँचे फाटक पे आगे कथा पुराण सुना। ए भैया यारी अभिमन पहुँच गए कहना वही बा। अरे तो टूटा बिहु के पहला द्वार अब तो बोला जे जे का लाल पार के पहली दुआरिया। जाके दूसरे द्वार पे तड़पाई बाले करिया राम। जाके दूसरे द्वार पे तड़पाई बाले करिया ला। जाके दूसरे द्वार पे तड़पाई बाले करिया ला। भैया अभिमन यारी फाटक के पार भय और तब तक जय जर धनुष बाण लेके फिर तैयार हो गया। वही कहना बा अरे लाल पार कई गे पहली दुआरिया ना। अरे तो गिर गए भीम सियन बलवाना केहू कई अकिल करैना का हाल ना पावे जवान के भीतरिया। पहले द्वार पे अटका अभिमन निकल गए बेखर जाके दूसरे द्वार पे तड़पाई बाल करिया राम। ए भैया दूसरे द्वार पे द्रोणा गुरु जहाँ पर रखवारी हैं वहीं पर जाके अभिमन पहुँचाता है। एहरी कहना बा अरे अभिमन प्यारा अभिमन प्यारा फाटक पे अरे अभिमन प्यारा फाटक पे पहुंचा द्वारे पर किनारा अभिमन प्यारा फाटक पे। अभिमन पहुँचे कसे कमर माढ़ा अरे रथ जब देख जोड़ा गुरु तो गवा कलेजा। अरे अपने मन में करे विचार अभिमन प्यारा फाटक पे अपने मन में करे विचार अभिमन प्यारा फाटक पे अपने मन में करे विचार अभिमन प्यारा फाटक पे अभिमन प्यारा फाटक पे हो अभिमन कहा ये देख के गुरु जी उनका रहे समझाई। अरे जौन जगह पर खड़ा रहा तू मौत के घर ले जाने। अरे दाया लागत बा दाया लागत है हमारा करा किनारा फाटक मा।
मार दे अभिमन गुरु के गए पाँव में लागी। अज लिए प्रतिज्ञा गुरु दियो से अभिमन करे सारथी। अरे आगे अब तो डुअर संहारा कर किनारा फाटक। अभिमन का देखे द्रोणाचार्य कहा तह कहाँ जाता है। अरे ये मौत का घर ले जान, आगे ना बढ़ा। लेकिन कहा तह अरे द्रोणा गुरु जबान चलावे, अभिमन वार काट लौटावे, सैदी बैठ सेठ सोहरावे, गावे काऊ गवैया भय ज्ञान। अच्छा भय ज्ञान से हीन गवैया हेर सना पावे, मारे पसीना के तर हो गए तन पै छाई। और मारे पसीना के तर हो गए तन पै छाई गई, जैसे बिना ताल मा देखा तड़पत बाटे उम, वैसे बिना ताल पानी के तड़पत बाटी अम। दूसरे द्वार पे अभिमन्यु ने गुरु दियो पे वार, घेरे गदेला भाई अर्जुन के जैसे जालमा घेरे। अरे अब की बार मां संभर जा गुरु दियो जी है। ए भैया यारी अभिमन यारी समझावा तहा, लेकिन वह के कहना बा। अरे माना कहना, अरे गुरु जी अभिमन का समझावे बतिया माना लाला। साल के उमरिया है देख के दाया लगे हमार। अरे सुभद्रा के गोद मा जन्म लेहा, अर्जुन का देव जावे भुला। अरे नारी होए बिन सजनवा माना ललना। तोहार देख के दाया लागे हमारे, अरे वापस लौट जाय अभिमन माना कहना। अरे नाही हो ब्या बिन सुगानवा माना ललना। से कहता है अभिमन कहा है कि जितना जानी थे जितना दाया, अरे कहावा दाया रही गुरु जब रोवती रही। अरे रो सती रोई साती रोवई करू जानवा माना ललना। अच्छा केहे रुदनवा सती द्रौपति हाथ जोर के पुकारा, कहाँ दाया रही गुरु अभला के लाजन से मारा। तोहरे परणिया है गुरु जी की केहू बीर जाए मारा, हमरो परणिया है गुरु जी की तोड़ दी अब साथ द्वारा। पाए पतन पंडव कहाँ भी हुके, भैया दिखाया आगे कहते हैं।
आरी कहत हैं का हा जय जय पवन पुत्र बलकारी नैया खेवा जाज हमारी निश दिन तोहरे राह निहारे न्यारी लीला तोहरे गुड़ गावत संसार।